हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय में जो हॉस्टल वार्डन की वैकेंसीज निकली है उसके बारे में। एक बहुत संक्षिप्त रूप में हम आज अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से चर्चा करेंगे कि जो बेसिक डिटेल्स दी गई है, जैसा कि मुझे मेरा सोर्स है दैनिक भास्कर, सुबह सुबह जो न्यूज़पेपर में मैंने देखा है उसमें एक आर्टिकल है, आप जो कि इस आर्टिकल के बेसिस पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही हूं और आप जो ऑफिशियल साइट है उस पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसी निकली है नवोदय विद्यालय में उसके बारे में। उम्मीद करती हूं आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, नवोदय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज निकाली गई है हॉस्टल वार्डन के लिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, यानी ईयर टू ईयर ये रिन्यू की जाएगी। फिलहाल जो एज लिमिट इसके लिए सेट की गई है वो है 35 साल से 62 साल के बीच में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो असेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे, ये आपका बैचलर की आपके पास, दैट इज ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो, इसकी आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स साइंस कॉमर्स में। इसके साथ साथ देखिए, ये लखनऊ रीजन के लिए है, तो आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करोगे तो आपको और जो बेसिक डिटेल्स है, फॉर्म्स है, उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। यहाँ फिलहाल फॉर्म भरने की जो तिथि बताई गई है वो है आपकी 14 जुलाई 2024, यानी आज से 22 जुलाई 2024 तक की। तो इस बीच में आपको फॉर्म फिलअप करना है। हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों के लिए होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि नवोदय विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल है और छात्रावास वहां होंगे, तो भाई क्योंकि छात्रावास बटे हुए हैं मेल्स के लिए अलग और फीमेल्स के लिए अलग, तो हॉस्टल वार्डन मेल भी चाहिए, हॉस्टल वार्डन फीमेल भी चाहिए। और साथ ही साथ जो एज लिमिट है वो भी काफी एक्सपैंडेड फॉर्म में है, तो काफी लोग जो किए इस पे भर सकते हैं। देखिए, भले ही ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, पर अगर आप जान रहे हो कि एनवीएस नवोदय विद्यालय काफी पुराना स्कूल है और रेसिडेंशियल स्कूल भी है, तो एक बार अगर आप यहां जाओगे आपको और भी अपॉर्चुनिटीज के बारे में, आप 10 लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे, आपको जानने का मौका मिलेगा। तब तक आपके पास जो एक एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे होगे वो भी नवोदय का टैग लगा हुआ होगा, तो आपको एक चांस मिलेगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी को रिमोल्ड करो, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आप और भी सरकारी नौकरियों के लिए, टीचिंग, नॉन टीचिंग, जिस भी स्पेयर में आप अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि आप अच्छे रेसिडेंशियल स्कूल में हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो आप वहां से जानकारी लेके और जगह भी अप्लाई कर सकोगे। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हॉस्टल वार्डन के पोस्ट के लिए। जो लोग भी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट या हॉस्टल वार्डन के पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं नवोदय में। एंड ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, तो टर्म टू टर्म रिन्यू किया जाएगा, और अभी आज से ही जो कि है इसके फॉर्म भरने की जो तिथि है वो शुरू की जा रही है। एज लिमिट भी काफी ज्यादा है, असेंशियल रिक्वायरमेंट भी है, मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कुछ सालों का, और वो क्या है वो आप एग्जैक्टली जाके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये लखनऊ रीजन की ही लिए स्पेसिफिक वैकेंसी निकाली गई है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।